हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण प्रीवियस ईयर की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, किरण प्रकाशन 8700 बुक है जो कि हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं डे टू डे डेली। ओके फ्रेंड्स, और हमारे इसमें क्वेश्चन 30 तो कंप्लीट हो चुके, मतलब अगर बोला जाए तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुके। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 3 के 31 to 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आप लोगों के पास में बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। बस जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, 2 साल का CI। देखो फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, 2 वर्षों का CI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना, 2050। कितना दे रखा है, 2050। और आगे अगर देखें तो 3 वर्षों का SI, 3 साल का SI। SI मतलब होता है साधारण ब्याज, तो कितना दे रखा है, 3000 रुपये। तो फ्रेंड्स, मैं 1 साल का इसी तो बना सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं बना सकता क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिली होगी और हमें पता नहीं। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दूंगा तो कितना होगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो मतलब प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये इसे मिल रहे होंगे, तो पहली साल 1000 रुपये मिला होगा, दूसरी साल भी 1000 रुपये मिला होगा, तीसरी साल भी 1000 रुपये मिला होगा। ये तो 3 साल का साधारण ब्याज मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या करना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि सिर्फ 2 साल का बताओ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 साल पे ब्रैकेट किया, और 2 साल में हमें देखना है कि कितना हो रहा है ब्याज। टोटल मिला के जो CI दिया है हमें कितना है, 2050 रुपये, और मेरा ओनली 2000 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्याज के रूप में पैसे आए होंगे, और वो कितने आए होंगे, 50 रुपये, क्योंकि टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है, 2050 की। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 साल का लेना और इसका कोई रोल नहीं रहेगा, फिर थर्ड ईयर में कोई मतलब नहीं है, दर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 50 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है फ्रेंड्स, 1000 रुपये पे ब्याज मिल रही है, इंटू कर देंगे 100 का, तो हमारी यहाँ से दर निकल के आ जाएगी 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, और बाकी फाइनली कितना होगा, 5% रेट निकल के आ गई। अब रेट तो आ गई, अब हमसे पूछा गया क्या, तो कुल धनराशि कितनी है, मतलब मूलधन पूछा है, तो मूलधन हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, या तो आप CI से निकाल लो या SI से, तो लेकिन SI सुनने में अच्छा लगता है और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो 3000 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दी गई है 5%, समय कितना है, साधारण ब्याज में 3 साल, बट्टे में है 100, फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 से इसे में काटूंगा कितनी बार, 20 बार, और 3 से इसे में काट दूंगा 3 × 3 मतलब 1000 बार। ओके फ्रेंड्स, 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो P = कितना आ जाएगा, 20000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर निकल के आ जाएगा, और आप इस वे से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें और हर एक क्वेश्चन देखें, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से रीड कीजिए। 2 वर्षों के लिए 5% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में जो अंतर है 25 रुपये के बराबर है, ठीक है, 25 रुपये का अंतर है, सीधी सीधी सी बात है। तो CI माइनस SI हमें दे रखा है 25 रुपये और बराबर है P हमें निकालना है, रेट दी गई है हमें कितनी, 5 × 5 और बट्टे में आ जाएगा 100, 2 बार इंटू करेंगे 100 का, इंटू करेंगे 100 का, 5 से काट लूँ कितनी बार, 20 बार, 5 से काट लूँ कितनी बार, 20 बार, तो 20 कितना हो गया, 400 हो गया, 400 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो P = कितना हो जाएगा, P = हो जाएगा 25 × 400, क्योंकि 20 × 20 करेंगे 400 का कैंची गुड़ा से इधर, 25 × 100, तो फाइनली इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 100 और 20 और, तो मतलब 10,000 रुपये हमारा क्या होगा, एक्यूरेट प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और अब बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देना। ओके फ्रेंड्स, ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है, वो भी हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपये है, ठीक है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, अधिक पूछा है, अधिक मतलब ज़्यादा, कितना प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 2 रास्ते हैं, वो कैसे कि मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, वो कैसे सर कि देखिए, सबसे पहले 2 साल के लिए 4% की दर दी गई है, ये तो मेरा SI एक साइड में लिख लेता हूँ और 4% ही CI लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं 2 साल का ऐड करूँगा तो 4 और 4 सिंपल ऐड हो जाएगा, 8% बन जाएगी। लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगा तो कैसे होगी, 4 + 4 × 4 बट्टे में 100, सिंपली ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 8.16%। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 8 बराबर तो दे रखा है, 8.16 बराबर कितना अधिक, तो कितना अधिक है आप देख लीजिएगा, पहले यही देख लेते हैं, 0.16% अधिक है, मतलब इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन ने पूछी है। तो 8% की दे रखी है, 8% बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 350 रुपये। तो 1% बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, फटाफट से डिवाइड कीजिएगा, 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 43.75, कितना आ जाएगा, 43.75। तो 0.16% बराबर कितना होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 43.75। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 का सिंपली ये निकल के आ जाएगा 7 रुपये। तो ये हमारा एग्जैक्टली अंतर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से इस मेथड को नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड मेथड की ओर। ओके फ्रेंड्स,
और अगर आप पॉइंट में नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1% बराबर कैसे होगा, 350/8 और इंटू कर देंगे 0.16 का, तो पॉइंट हटाएं बट्टे में हो जाएगा 100। अब क्या करना है, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और 50 से काट लें, 50 × 7 = 50 × 2 = 100, 2 से 2 कट गया तो बचेगा कितना, 7 रुपये। इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर पॉइंट से प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है फ्रेंड्स, 8 मैंने नीचे लिया और कुछ नहीं, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर के पास ना बहुत सारे मेथड हैं और आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, किसी राशि पर 2 वर्षों का 4% साधारण ब्याज इतना दिया है, तो SI वाले से हम निकाल लेते हैं क्या पी, तो 350 की ब्याज मिल रही है, पी हमें पता नहीं, रेट दी गई है 4%, समय दिया गया 2 वर्ष, बट्टे में है 100। अब क्या करना है, 4 से 25 बार, 2 से इसी काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 हो गया 25 का मल्टीप्लाई, तो P इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 175 × 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो P निकल के आ जाएगा 4375। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब इसी राशि पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो इस पे अगर मैं 4375 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है मेरी, 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितनी होगी, 1/20, तो इसी 1/20 से ही मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4% दे रखी है क्वेश्चन में, रेट कितनी है हमारी 4%, 4% होती है 1/25, 25 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले साल की ब्याज निकल के आएगी 175, दूसरी साल भी 175। अब 175 का हम निकालेंगे 1/25, 25 × 175 ये हो गया, टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 357 रुपये, और साधारण ब्याज कितना था, 350 रुपये। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, जरा आप देख सकते हो 7 रुपये अधिक है, तो यही हमारा आंसर है, कितना अधिक है साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूछा गया है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि क्या है, तो अंतर देखा है 1 रुपये का, पी हमें पता नहीं, दर हमें पता है कितनी है, 4%, दोबारा 4 × 100 × 100 × 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे 25 बार, और इसी भी काट देंगे 4 से 25 बार, 25 × 25 = 625 का गुणा 1 में कर दें तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 625 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट भी पहुंच जाए। और सेकंड पॉइंट, अगर आप इस टाइप को करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, किस क्वेश्चन को किस वे से हम आसानी से कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप में बताया गया है। फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 साल का ब्याज बना सकता हूँ, 3 साल का सिर्फ SI को बना सकते, कितना है 240 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा फ्रेंड्स,
एक साल में 80 रुपये, मतलब पहली साल 80, दूसरी साल 80 और तीसरी साल भी 80 मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया साधारण ब्याज, मैंने कैलकुलेट कर लिया। दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया, दो साल का जो CI दिया है हमें वो कितना दिया है 170 रुपये, मतलब दो साल सिर्फ दो साल लेनी है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इसका कोई रोल नहीं है। ये जो है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 170 रुपये, तो 80 160 तो होगी, कहीं ना कहीं 10 यहाँ पे आया होगा। और कहाँ से निकल के आते हैं ये, यहाँ से। तो 10 रुपये की ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है, 80 पे, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 12 से ही 1/2%, यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सिर्फ रेट पूछी गई है और हमारी रेट निकल के आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज 350 रुपये, यदि इसी धनराशि को समान अवधि हेतु चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर निवेश किया जाता है तो कितना अधिक अर्जित होगा, मतलब लाभ कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, और सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का हमने अभी कराया है, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर, वो भी हम बता देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर है 33, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का टू कॉपी, मतलब फोटो स्टेट है ये, एक तरह से कॉपी है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर सेंड करना, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, 10% ब्याज दर पर दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपये है, तो राशि क्या है, 4 रुपये का अंतर दिया, सीधे सीधे पी हमें निकालना है, दो वर्ष की बात की गई है तो 10 × 10 करेंगे। याद रखना, दो साल के लिए आपको जब भी कभी इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लें। 100 से 100 कट गया, 4 का मल्टीप्लाई, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 रुपये, यह हमारा क्या हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और अब बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हो। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। याद रखना कि ये जो वैलिड मैंने बताया है आप लोगों को टाइप थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एग्जांपल कराए हैं, तो उस केस में मैंने आपको बताया कौन सा मेथड हमें किस जगह पे फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओनली जब भी हम मेथड लगाते हैं 2 ईयर्स के लिए ही फॉलो करना है आपको। ओके चलो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए किसी राशि
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित है, इसके बीच में अंतर 93 का है, तो राशि क्या है। जब भी कभी 3 वर्ष का दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली 10% मान लेते हैं। कितना होता है 10%? 1/10 होता है, 1/10 होता है, तो हमें राशि लेट करनी होती है। राशि कितनी हो जाएगी 10 का, 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो 10 का क्यू कितना होगा 1000 रुपये। अब क्या करना है, इसी 10 में मल्टीप्लाई कर देना है 3 का, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस कर लेंगे 1। 30 प्लस 1 कहाँ से आया सर, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल मिला के 31 हो गया, और 31 बराबर कितना हो जाएगा 93। ये अंतर निकल के आता है डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। 31 + 93। अब क्या करना है, 1/3 है, तो राशि कितनी हो जाएगी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो सिंपली 3000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। और प्लीज अगर आप लोगों के पास में बुक है तो ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, वहां पे जो ऑप्शन करेक्ट लिख दिया है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन फर्स्ट नहीं, एक्यूरेट आंसर 3000 रुपये है, और 3000 रुपये मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन की बुकलेट में मतलब आंसर शीट में गलत दिया गया है, उसे करेक्ट कर लेना ध्यान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज एकदम परफेक्ट, एकदम 110% करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपये है तो धनराशि कितनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला है कि इस टाइप से क्वेश्चन हो तो सिंपली कर लेते हैं। 41 का अंतर है, बराबर करेंगे, पी हमें पता नहीं, दर हमें पता है, 5 × 5 करेंगे, बट्टे में करेंगे 100 × 100। फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार कितना हो गया 20 × 20 400 हो गया, 400 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 × 400। कैसे किया, 20 20 400 हो गया, कैंची गुणा करने पे इधर आ जाएगा तो पी इज इक्वल टू 400। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16420 गिफ्ट एम्पर है, तो कितना हो गया 16400 आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस वे से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब ये है कि उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है SI और पूछा है CI, क्या बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से कर सकते। देखो, SI के थ्रू मैं क्या कर सकते हो कि 1600 रुपये की राशि पे प्रिंसिपल निकालना है, 5% की दर है और 2 वर्ष से बट्टे में है 100, ये हमारा निकल के आ जाएगा P। वो कैसे, ये कितना हो गया, 5 से काट दूँ 20 बार, 2 से काट दूँ 10 बार, 10 का कैंची गुणा कितना हो गया 16000 रुपये, तो प्रिंसिपल निकल के आ गया, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल। अब 16000 रुपये पर मुझे निकालना है क्या, इसी दर से 5% की दर से, 5% कितना होता है मेरा 1/20 होता है, 1/20 की दर से हमें ब्याज निकालना है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि 16000 रुपये का
मुझे सबसे पहले 1/20 निकालना है। तो 10 से 10 दो 8 16 तो मतलब कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पे 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 3 वर्ष है याद रखना। अब 800 का निकालेंगे 1/20, 20 से 10 कट गया, 2 से 2 चौके 8 तो मतलब 40 रुपये, 40 रुपये, 40 रुपये, ठीक है। जिस लाइन में लिखते हैं उसमें ऊपर वाले का लिखते हैं, इस लाइन में लिखा तो ऊपर वाले दोनों का 40-40, अब लेकिन इस 40 का लगेगा 1/20, 20 से कितनी बार, 20 दूनी 40, अब फाइनली इसे ऐड कर लेते हैं, 8 3 24, 2400 तो ये हो गया प्लस, 4 3 12, 120 तो ये हो गया प्लस 2, तो फाइनली इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जो आएगा आंसर 2522, कितना हो जाएगा 2522 हमारा जो है CI निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।